गाइस आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो अभी हमारे साथ रवि है, रवि आ रहा है। तो रवि कुछ बनाया है, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या बनाया और कैसे बनाया है और क्या चीज़ बनाया है। तो ये रवि यहाँ पे आ चुका है, तो रवि क्या बनाया चलो दिखाओ। पेपर दीजिए। ये क्या है? पेपर दीजिए ना, ये धुआं फेंकने वाला मशीन है। अच्छा, धुआं फेंकने वाला मशीन है ना, तो देखते हैं। दोस्तों बन के पूरा तैयार हो चुका है, तो ये रवि अभी बनाया है, अपने हाथ से बनाया है। जैसे आप सब देख नहीं रवि कैसे कैसे बनाया है। ये पेपर अभी यहाँ पे फंसेगा, तो चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल, क्या रवि बनाया तो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको रवि अभी आग लगाने वाला है, और ये पाइप है, पाइप से भी धुआं निकलेगा, है ना। असल स्विच भी लगाया है, तो रवि अभी आग लगाने वाला है, तो देखते हैं ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे रवि आग लगा दिया है, कुछ भी दे दिया है, तो यह मोटर भी चालू हो गया है, और यहाँ से धुआं भी फेंकना शुरू हो गया है। तो देख सकते हैं यहाँ आग लगा है और यहाँ धुआं निकल रहा है, काफी जोर से धुआं निकल रहा है। सामने आ रहा है, सामने आएगा और धुआं कुछ नहीं। तो देख सकते हैं पेपर आधा हटक चुका है दोस्तों, धुआं धुआं का भी रफ्तार बढ़ चुका है। देख सकते हैं कितना जोर से धुआं निकल रहा है। इसमें मोटर फिट है और बैटरी बैटरी लगाया गया है इसमें। कैसे बना लिया रवि? तो रवि इसको तुम कैसे कैसे बनाया और दिमाग तुम कहाँ से लगाया? खोल के देखना पड़ेगा, हम अपने सब सोचे थे। अच्छा ठीक है, तो बताओ कैसे कैसे बनाया, खोलना पड़ेगा क्या क्या लगाया इसमें। हाँ तो बताओ कैसे कैसे बनाया। इसमें मोटर है, स्विच है, बैटरी है, पाइप है बस। अच्छा। और नीचे छोटा पंखा। तो दोस्तों बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है इसको, और अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया इसको बनाने में। तो प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम अच्छा से सिखा देंगे बनाने के लिए। अच्छा से एक आग करके खोल खोल के आप लोग को दिखाएंगे। ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है, मात्र 20 रुपया, 20 रुपये में बन जाएगा। कैसे बनता है आप लोग को एक आध चीज दिखाएंगे वीडियो में। कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज बताइएगा कमेंट में। तो वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।